ओके फ्रेंड्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस का थोड़ा देखेंगे। आज एक पूछा गया था किलिंग ऑफ ऑन वाइफ एयरफोर्स में। मैं थोड़ा सा आपको जो कॉमन है जो पूछे जाएंगे जिसके चांसेस बनते हैं मैं थोड़ा बता देता हूँ। थोड़ा ट्रिकी है, याद रहेगा, आप याद करने की कोशिश करेंगे तो आपको बिल्कुल याद रहेगा, ध्यान दीजिएगा। मैं जो बता रहा हूँ थोड़ा स्पीड में बताऊँगा सो दैट मुझे और भी वीडियोज़ बनाने हैं आपके लिए। साइड, जिसके भी वर्ड के लास्ट में साइड CID साइड होगा, साइड मतलब होता है किलिंग या मर्डर, किलिंग या फिर मर्डर। आपको यहाँ किलिंग लिखा हुआ है, मर्डर भी होगा, ठीक है। तो यहाँ पर बोलना है पहला होमिसाइड। होमिसाइड मतलब होमी होता है ह्यूमन, ह्यूमन के लिए बोलते हैं ना होमोसेपियन, होमोसेपियन वहाँ से होम है, होमो, होमो मीन्स ह्यूमन बींग, तो किलिंग ऑफ ह्यूमन बींग इज होमोसाइड। नेक्स्ट इज रेगिसाइड, रेगी राजा, रे जी राजा, राजा को मारना, किलिंग ऑफ अ किंग, रेजिसाइड, रेगिसाइड, ओके। नेक्स्ट इज इन्फेंट या न्यू बॉर्न बेबी को मारना, इन्फेंट का इन्फेंटिसाइड, नाम से ही पता चला है, इन्फेंट के साथ में साइड लगाया, इन्फेंट को मारना, इन्फेंटिसाइड। एक पूरे रेस या कम्युनिटी, एक पूरे जात को मार देना, जीनोसाइड कहलाता है। देखिए, एक जीन का जो आदमी होता है, जीनेटिक्स जो आप पढ़े होंगे, तो एक जीन के आदमी, मतलब जैसे मेरा पूरा एक रेस है, जैसे एशियन रेस हो गया या फिर अफ्रीकन रेस हो गया, तो उनमें सब में जीन्स कॉमन होता है, तो यहाँ से एक जीन के लोग जितने भी हैं उनको मार देना, दैट इज़ कॉल्ड जीनोसाइड। किलिंग ऑफ वन सिस्टर, सिस्टर को मार देना, सोरोसाइड, इसको कभी कभी आप सोरोरीसाइड भी मिलेगा आपको, सोरोसाइड की जगह सोरोरीसाइड, तो आप देखिएगा सोरोसाइड या सोरोरीसाइड दोनों लिखते हैं। तो यहाँ पर सिस्टर, एक किलिंग ऑफ वन सिस्टर, अपने सिस्टर को मार देना इस सोरोरीसाइड, सॉरी सिस्टर, याद रखिएगा सॉरी सिस्टर, हम लोग सिस्टर को जनरली सॉरी बोलते हैं, गलती करते हैं, झगड़ा करते हैं, फिर बोलते हैं सॉरी सिस्टर, तो सोरोरीसाइड आते ही सॉरी सिस्टर, याद रखिएगा। नेक्स्ट इज सुसाइड, सबको पता होगा, खुद का मर्डर कर देना, अपने आप को ख़त्म कर लेना, दैट इज़ कॉल्ड सुसाइड, वेरी सिंपल। किलिंग ऑफ आइदर ऑफ बोथ पेरेंट, किसी भी पेरेंट्स को, माँ को या पिताजी को मार देना, पेरिसाइड, क्या कहलाता है, पेरिसाइड, पेरी पेरेंट्स, PAR पेरेंट्स में भी है और PAR पेरिसाइड में भी है, ठीक है, पेरी पेरेंट्स। किलिंग ऑफ वंस ब्रदर, ब्रदर को मार देना, फ्रैट्रीसाइड, भ्राता, ब्रदर, किलिंग ऑफ वंस ब्रदर। नेक्स्ट इज पैट्रीसाइड, फादर को बोलना, पैट्री बोलते ना, ये हमारी पैतृक संपत्ति है, बाप दादाओं की संपत्ति है, पैतृक संपत्ति, बाप दादाओं की संपत्ति, पाप को, किलिंग ऑफ वंस फादर इज पैट्रीसाइड। और मदर का मैट्रीसाइड, मातृ, इसको पढ़िए, MATRI, मातृ, मातृभूमि, मदरलैंड बोलते हैं मदर, तो किलिंग ऑफ वंस मदर, मैट्रीसाइड। किलिंग ऑफ वंस हस्बैंड, मेरिटिसाइड, देखिए मेरिटिसाइड आप बोलते हैं, एग्जाम पूछते हैं, आपका फॉर्म भरते हैं तो आप बोलते हैं ना, आपका मैरिटल स्टेटस क्या है, MARITAL, मैरिटल स्टेटस क्या है, मैरिड है, अनमैरिड है, वही मैरिटल का MARIT यहाँ पर है, मैराइट। तो भैया जब शादी होता है तो हस्बैंड, शादी होता है तो हस्बैंड, तो किलिंग ऑफ वंस हस्बैंड इज मेरिटिसाइड। कभी कभी मेरिटिसाइड किलिंग ऑफ वन हस्बैंड के लिए, किलिंग ऑफ वन वाइफ में भी मेरिटिसाइड चलता है, ऐसी बात नहीं है कि वाइफ के लिए नहीं होगा, वाइफ के लिए एक एक्स्ट्रा वर्ड भी है जो अलग से हम आपको बता देंगे, जो लास्ट में है और इस बार एग्जाम में भी आया था, आज के एग्जाम में। तो किलिंग ऑफ वंस हस्बैंड या वंस वाइफ, मेरिटिसाइड बिल्कुल सही रहेगा, वाइफ के लिए भी हस्बैंड के लिए भी, दोनों के लिए रहता है। मेरिटी को याद रखें, मेराइटल स्टेटस, MARITAL होता है, तो वही मेराइटल का MARIT यहाँ पर है, मेरिटिसाइड। अब वाइफ के लिए एक अलग से वर्ड रखा गया है जिसको हम कहते हैं युगजोरीसाइड, युगजोरीसाइड, यू की जोरी। अब मैं जनरली एयरफोर्स को जो एग्जाम दे रहे सब लड़के हैं, तो आपका जो जोड़ी बनेगा वो क्या होगा, आपकी वाइफ होगी, युगजोरीसाइड, यू की जोड़ी, मैं तो मेरी जोड़ी, मेरी वाइफ, तो किलिंग ऑफ वंस वाइफ इज कॉल्ड युगजोरीसाइड। दैट्स ऑल, और आपको आगे फिर मैं बताऊँगा, तब तक के लिए आप अपना तैयारी करते रहिए और फिर